एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी डिनर में आज प्रदीप का मन था कि पूड़ी बनाई जाए, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और आज बनी है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो कभी कभार दिल करता है ना कुछ ऐसा बनाने का अचानक से, तो फिर वो बोल रहे थे, तो फिर मैंने पूड़ियाँ बना दी फूली फूली। और उन्होंने डिनर कर लिया है, सब लोगों ने कर लिया मुझे छोड़ के, तो मैं करूँगी बाद में। जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता तब तक मुझे खाना पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज जितने भी कपड़े वॉश करे थे उनको तय लगा के रखना है। सबसे टफ टास्क मुझे ये कपड़ों का तय लगाना और प्रेस करना लगता है, बट क्या कर सकते हैं, ये तो करना ही है ना। जब ये काम ख़त्म हो जाते ना तब ऐसा सुकून जैसा फील होता है कि क्या ही बताऊँ। तो ये बिस्तर था तो पतला वाला था, तो ये भी मैंने मशीन में वॉश कर दिया। और अभी प्रदीप कर रहे हैं अपनी ऑफिस का काम, क्योंकि लेट नाइट तक उनका ऑफिस का काम चलता रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और इस वाले उस पर बेड पर मैंने बेड शीट नहीं लगाई हुई है, क्योंकि मैंने वॉश की हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसी को लगा दूँगी, सूख जाएगी। तो यहाँ पर जो फ्लोर वगैरह वॉश करे थे वो रखे हुए हैं, उनको भी लगाना है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी ऊँचाई पर मैं तो लगा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट अभी मैंने बेबी को दूध पिलाया है, तो बर्पिंग के लिए ये बेबी को कंधे से चिपका रहे हैं। क्यों? जिसे क्या है, डॉक्टर ने भी बोला है, बट कभी कभी ये सो जाता है तो फिर हम इसे डकार नहीं दिलवा पाते हैं। पानी गर्म हो रहा है, मैं नहाऊंगी फिर बेबी को निलाऊंगी, ये ऑफिस जाएंगे, लक्ष्य स्कूल चला गया है। और आज इन्होंने कितना बड़ा काम किया है बताओ अपने मुँह से। आज इनकी नौकरी का लगा। मेरी नौकरी हो, हमेशा से आप करते हो, पहले मैं करती थी बट हेल्प करवा देती थी, फिर सबसे पहले मैं करती थी। साफ किया उधर की खिड़की, साफ की, इतनी कीचड़ थी खिड़की, इतनी गंदी थी, मतलब किसी को दिखा देते ना तो ये कहता है यहाँ साल भर से कोई नहीं। हाँ, तो आप क्या कहते थे? आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, मैं पहले ब्लॉगिंग करती थी, मतलब ब्लॉगिंग तो अभी भी करती हूँ। पहले अगर आप वीडियो देखते तो मैं सफाई करती थी, ये क्या बोलते थे, रोज रोज क्या सफाई करना, पता नहीं क्या करती हो, तुम्हें तो आदत हो रखी है इतनी सफाई की। अब मैं मतलब 8 मंथ से मैंने बंद कर दिया था ये खिड़की वगैरह, ऐसे ही नॉर्मल कर लेती थी, पहले की तरह नहीं कर पाती थी। तो अब क्या, अब कैसे बोल रहे हो कि कीचड़ रखी थी खिड़कियों पे? हाँ, यही होता है औरत और आदमी में, ठीक है, कि पहले मना करते हैं फिर सफाई नहीं होती तो ये बोलते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो इस रूम के बेड का चद्दर हमने लगा दिया है, ये अभी लगाना बाकी है, लगाऊंगी। और मैं आपको रेलिंग दिखा देती हूँ, आज पतदेव ने ही साफ करी है रेलिंग ये। और हमने अपना कूलर उठा के इधर रख दिया, जो कि इस साल बिल्कुल भी काम में नहीं आया यूज में। एसी हमारी उस वाले रूम में, तो उस वाले रूम को ही ज़्यादा यूज किया गया था। और अब एकदम चम चम हो गई। और ये रस्सियाँ हैं ना, इन पर कपड़े अच्छे से सूखते हैं, इसलिए हमने स्टैंड नहीं लिया। और दूसरी बात, ये हमारी जो रेलिंग है ना बहुत छोटी है, तो इस वजह से फिर एकदम निकलने के लिए रास्ता भी नहीं बचता। और फिर रेंटेड हाउस में ना ज़्यादा सामान ऐसा ज़रूरी हो ना वही सामान लेना चाहिए। तो ऐसी सोच सोच के हमने बहुत सारा सामान कर लिया है। जिस दिन खाली करके जाएंगे, कहीं और शिफ्ट होंगे या घर का लेंगे, तो वो गॉड हालत ख़राब हो जाने वाली है। पता नहीं लोग कैसे इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं इतनी जल्दी। हेमा भी काम कर रही है, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। किचन मैंने क्लीन कर दी है, क्योंकि मुझे किचन एकदम अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं। देखो एयरप्लेन जा रहा है, और आगे वाली रेलिंग पे इतनी धूप है और पीछे वाली रेलिंग पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैंने ईयर रिंग्स निकाल दिए हैं, और ये वाले तो मैंने इसमें पहन ही लिए थे। तो अब मैं घर जाऊँगी तब कुछ खरीदूँगी। यहाँ पर पहनने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, लेकिन पेच वाले हैं जिनमें पेच लगे रहते हैं, तो मुझे गिरने का डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे खो चुके हैं 2-3 जोड़ी। तो ये ना वो वाले हैं, ये गूंज वाले हैं और ये लॉक वाले हैं, तो ये गिरने का डर इतना रहता नहीं है।
चलिए नहा लेते हैं और आज मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, एक दो वीडियो शूट करना है। वैसे वीडियो तो मुझे 3 शूट करने हैं बट मुझे नहीं लग रहा आज हो पाएंगे, तो इस वजह से। अच्छा, तो आप देख सकते हो अब बज रहे हैं 11:15 और मुझे जाना है ऑफिस, नहाना है और मैंने सारी सफाई वफाई सब हो गई है। तुमने क्या कर दिया, रेलिंग तो कर दी, रेलिंग कर दी और सब कर दिया मैंने, सब व्यवस्था, बेड वेड सब सही कर दिए। मैंने नहीं करवाए बेड, ये बेड जरूर इन्होंने थोड़ा बहुत सही करवाया क्योंकि मेरे से ना यहाँ पे ये घुसता नहीं है मेरे से, तो मैंने कहा तुम ही घुसा दो, बाकी सब मैंने किया। वो वाला बेड भी मैंने किया है और चाय इनके लिए मैंने बनाई है, तो सारे काम कर दिया मैंने कहा ना लेता। अब ये क्या कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि इनको लगवा दो। अब बताओ इसमें फिर आधा घंटा बिगड़ेगा, फिर आधा घंटा नहीं, 10 मिनट मैं लगा के दूंगी, आपको लगाना है। तो आप देख लो ये 10 बज रहे, मतलब 11:10 हो रही है, 11:20 पे मैं ये छोड़ दूंगा। सुनो तो पहले पूरी बात मेरी, मैं भूल गई। चलो तो दिमाग से इसी से पता लगता है, दिमाग का क्या पता लगता है कि 5 मिनट में भूल जाते हैं लोग। और ये हाँ ये बोल रही थी कि चलो अब तक तो मैं कर देती, आज बेबी ने आज चाय बना दी, इन्होंने तो क्या कर दिया प्रेगनेंसी टाइम में, तो आप ही करते थे ना, तो क्या हो गया, कर देते कि नहीं करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हो गया है, हर चीज को कंपटीशन की निगाह से क्यों देखती है औरत, औरत इतना करती है इतने सालों से सुबह 5 बजे। तो हमने तो ये नहीं कहा कि तो क्या हो गया, मैं भी तो करता हूँ ऐसे, हमने कभी नहीं बोला, तुम करती हो करो। और मैं आपको बताऊ एक बात, इन्होंने नहीं बोला पर इनकी मम्मी ने जरूर बोला था, क्या कि मेरा लड़का कितना काम करता है, नहीं बोला था। तो उन्होंने देखा था इसलिए बोला था। अच्छा, जब मैं करती थी तो उन्होंने, तो वो किसी ने देखा नहीं ना, जो देखेगा वही तो बोलेगा। तूने जगह गांव में जाती तुम नहीं करती हूँ, कौन मैं, तो वो यहाँ की बोल रही थी ना यहाँ। अच्छा तो गाँव में उन्होंने तारीफ क्यों नहीं करी, गाँव में नहीं करती बहू की क्यों करेंगी, बेटे की करेंगी। तो ये बोलो कि बहू की नहीं करनी, तो ऐसा ही होता है। अरे यार इसको तो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं लगा लो, लगाओ लगाओ, आपको लगाना, मैं आ रहा हूँ, लो लगा रहा हूँ। तो आप लोग ये बताओ, कल मेरी दीदी की लड़की का फोन आया था, तो वो बोल रही थी, पता है क्या बोल रही थी, बोल रही थी कि मौसी मौसा जी लड्डू को बहुत रखते हैं। तो मैंने कहा हाँ रखते तो हैं, सुलाते वही हैं रात में क्योंकि उसको आदत लग चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मौसा जी ही रखते हैं, क्योंकि मैं रखती हूँ ना तो कोई वीडियो नहीं बनाता है, और जब मौसा जी रखते हैं तब मैं वीडियो बना लेती हूँ। आप ना, आपको दिमाग, आपको क्या है, अब क्या ही होगी, औरत को समझ नहीं आती है बात। ये बताओ पहले, अगर आप मैं रखती हूँ तब आप बनाते हो वीडियो मेरी, अब मैं रखूंगी तो कौन बनाएगा वीडियो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखती हूँ, मैं बहुत रखती हूँ। कोई ये कह रहा है कि मैं रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं रखती हो, तो रखना ही है। अगर मैं रखता हूँ तो वो तुमको एडवांटेज है। अच्छा एडवांटेज है बेटा, और काम में एडवांटेज है, बच्चों वाले काम में मत बोलो एडवांटेज, बच्चा तुम्हारा भी है आधा, आधा मेरा है आधा तुम्हारा, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। गलती कर दी, पहले ये लगता फिर वो लगती। चलो लगा दो दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये तोरण लग रहा है इसमें, बस अभी रोटी बनाना बाकी रह गया, सारा हो गया है, फैन ऑन है। तो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद ये लग गया है, ये यहाँ लग गया, हम लोग चेंज करके लगाते रहते हैं क्योंकि चेंज करना ज़रूरी है। ये वाला यहाँ पे हमने 2 लगा दिए हैं एक साथ, और अनिल ने अब की बार डिसाइड किया कि यहाँ टीवी के ऊपर हम यहाँ पे लगाते हैं, 2 कील हैं भी वैसे भी, तो ये हमने यहाँ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। और ये पॉट में भी हमने अब की बार थोड़ा ज़्यादा से फ्लावर लगा दिए हैं। टेलीविजन का एरिया ऐसा कुछ दिख रहा है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और अगर मैं ऐसे देखूं बिल्कुल जस्ट सामने से तो इस तरीके से दिखता है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, पत्ते वापस जा चुके हैं, बेबी स्कूल से आ चुका है और मैं यहाँ पे लड्डू को नहला के लेके आई हुई हूँ, क्योंकि लड्डू का कोई टाइम नहीं है नहाने का। वैसे ज़्यादातर मैं दोपहर के टाइम ही नहलाती हूँ क्योंकि सुबह सर्दी लगती है बच्चों को और शाम को भी लगती है, और बच्चा बहुत छोटा है तो तबीयत खराब होने की चांसेस रहती है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती इसलिए। और यार देखो बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये लक्ष्य यहाँ पर उसको पू से खिला रहा है, कहीं डॉगी से खिला रहा है,
बच्चे थोड़ा बहुत तो रोते हैं ना इसलिए, और इसके चक्कर में मुझे सारा दिन हो जाता है। 4-5 बजे मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत मैं फ्री होती हूँ तब या तो ये सो रहा होता है या ये कुछ कर रहा होता है, तो उस टाइम पर मैं नहीं कर सकती ना। और यहाँ पर मैंने बेबी से दवाई मंगाई हुई है इसकी, तो मैं इसको रेडी करने के बाद, मालिश वालिश करने के बाद इसको दवाई दे दूँगी। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय और यहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया था, तो मैं यहाँ पर कपड़ों की तह लगा के रख रही हूँ। यार बहुत काम हो जाता है, सच बताऊँ सारी कालीन पे एकदम साड़ियाँ फैली हुई रखी हैं, तो इनको मैं अच्छे से तह लगा के रखूँगी, फिर एक दिन बेड खोल के बेड में रख दूँगी, क्योंकि अभी ये मैं तैयार करने का तो एकदम चांसेज ही नहीं है, मौका ही नहीं है मेरे पास कि मैं इनको तैयार कर पाऊँ, क्योंकि सारा दिन इसी में निकल जाता है लड्डू में। और जो न्यू मॉम है ना, वो समझ रही होंगी मेरी फीलिंग्स कि कितना बिजी रहते हैं यार, बहुत ज़्यादा। तभी तो कहते हैं ना बच्चे घर में होते हैं तो काम बहुत फैला रहता है, लेकिन यार बिना बच्चों की ज़िंदगी भी तो नहीं है ना, जब बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे कटेगा। और यहाँ पर मैं इतनी थक गई थी, वीडियो बनाई थी मैंने दो बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर चेयर पर बैठ गई हूँ, क्या करूँ ऐसे ही दिन निकल जाता है। लोग बोलते हैं ना कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं रहता बाजार में, यार बहुत काम रहता है, ना करने वालों के लिए कुछ नहीं रहता, करने वालों के लिए बहुत रहता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन सेट कर रही हूँ, मैं वीडियो बना के आई थी, दर्द हो रहा था, बहुत थक गई थी, तो अनिल बोल रहे थे, वो भी फ्री हो गए थे, तो अनिल बोल रहे थे सब्ज़ी मैं बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट कर दी थी, तो वो छोंक रहे हैं। और सच बताऊँ अपने हाथ की सब्ज़ी खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है किसी और के हाथ की खा लें। तो आज बर्थडे बना रहे हैं सब्जी, मैंने कट करके रख दी। और बेबी के आने के बाद हमारी लाइफ कुछ इस तरीके से चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है यार। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, अब थोड़ी बहुत तो यार जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक थोड़ी बहुत तो आएगी आएगी। और मैं ना साधना त्यागी ऑफिशियल पर भी अपने ब्लॉग्स अपलोड किया करूँगी, जो बेबी के ब्लॉग मैं वहीं अपलोड किया करूँगी, छोटी मोटी क्लिप हो गई, बेबी के ब्लॉग्स हो गए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर ना एसी में से पानी आ रहा था तो मैंने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि सर्विस वाले आएंगे तो मैं उनको दिखा दूंगी कि देखो इस तरीके से यहाँ पे पानी आ रहा था, तो यहाँ पे बेडशीट थोड़ी गीली हो चुकी है। आप देख रहे हो ये बना रही हैं मेरे लिए टिफ़िन, और आज इन्होंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और रात में इन्होंने दो वीडियो शूट किए हैं, तो ये हो गई परेशान। तो रात को भी दर्द हो रहा था, अब सवेरे से ये लगी हैं तो अभी भी इनको दर्द हो रहा है, पर मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अब अपने दर्द का ख्याल रखना ठीक है। दर्द का ख्याल रखोगी नहीं रखोगी है? मुँह दबा लेना अपने हाथ से, बच्चा नहीं होता तो ये कि लेट जाओ सो जाओ, अब तो ये कि भाई बच्चे का प्रॉपर करना है। अच्छा चलो आप जाओ, लेट हो रहे हो। चलो ठीक। तो आज बेबी को फर्स्ट टाइम प्रेम में बैठा ला है स्टॉलर में। यार ये लक्ष्य के टाइम का था, लक्ष्य तो इसमें एक दो बार ही बैठा है, क्योंकि जब अनिल मुंबई रहते थे तब लेके आए थे, बट तब तक लक्ष्य बड़ा हो चुका था और गांव में रहता था, तो बस थोड़ा बहुत ही इसको यूज कर पाया है, बट ये लड्डू के काम आ रहा है ये। ओ लड्डू, अरे लड्डू बेटा, मजे आ रहे हैं घूमने में? मजे आ रहे हैं? आ रहे हैं मजे? आ रहे हैं मजे? ओ मजे आ रहे हैं। हाँ अलग जितना ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा। नो बेबी, बेबी लड्डू, लड्डू इधर देखो, लड्डू ए बच्चा, रुको रुको, अच्छा बच्चा, मजे आ रहे हैं। हाँ ये पॉकेट्स हैं, इसमें कुछ भी रखो। मजे आ रहे हैं बेटे को, कल घूमने घूमने जाएंगे ठीक है, इसी में बैठ के घूमी घूमी जाएंगे कल, आज शॉपिंग करने जाएंगे ठीक है। हाँ शॉपिंग करने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ भी रख सकते हैं बच्चे का कुछ भी ठीक है। बेबी शॉपिंग करने जाएंगे, कल शॉपिंग करने जाएंगे। और ये बहुत बुरी तरीके, बच्चा चूहे काटी है इसकी गाड़ियाँ, और ये थोड़ा सा चूहों ने कट कर दी थी पीछे, देख लो आप बेटा, बेटा मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे, मजे आ रहे। पापा ने नहीं देखा अभी? पापा ने नहीं देखा? हाँ पापा ने नहीं देखा बेबी, इसको बड़े मजे आ रहे हैं यार, और इससे ज्यादा लक्ष्य को आ रहे हैं। लक्ष्य तब से 4 घंटे से मुझसे बोल रहा है इसको उठाओ उठाओ, इसको घुमाना है घुमाना है घुमाना है।
घुमाना है मेरे बच्चे को, घुमाना है। लग ज्यादा जोर से नहीं घुमाना, चक्कर आ जाएंगे। एक्चुअली जी मैंने उल्टा लगा दिया है, बट मैंने अभी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में लगा दूंगी। यहाँ पे से आप लोग देख सकते हो ये। तो मैंने लक्ष्य से बोला कि बेबी रो रहा है और तुम्हारे साथ अच्छे से खेलता है, तो तुम उसके साथ खेल लो, उसको खिला लो। तो देख सकते हो लक्ष्य के, वो ये सोच रहा है कि दूध पिलाएगा लक्ष्य, तो वो ऐसे खींच रहा है, बट इसको भूख नहीं लगी है, अभी ऐसे ही खेल रहा है। और लक्ष्य ये सोच रहा है कि वो दूध पीने की बोल रहा है, तो लक्ष्य मुझसे बोल रहा है कि मम्मा इसको भूख लगी है, दूध पीने की बोल रहा है, मेरी शर्ट खींच रहा है, ऐसे खेल रहा है बेटा, उसको भूख थोड़ी लगी है, प्यार है। तो भी तुम चिल्लाते हो उसके कान पे, बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, दूर रहना उससे, बच्चे थोड़ी जानते हैं। तो लक्ष्य जा रहा है अपने स्कूल, क्योंकि इसकी है पेरेंट्स मीटिंग। तो अनिल जी गए थे मंदिर, मंदिर से ही डायरेक्ट वो नीचे आ गए, तो ये बाइक की चाबी लेके ये जा रहा है पेरेंट्स मीटिंग में अपने पापा के साथ। मैं नहीं जा सकती क्योंकि लड्डू हैं हमारे पास, इसलिए आराम से जाना बेबी। हाँ अगर कम नंबर आए तो सही लगाओ गेट से। हाँ पतिदेव और लक्ष्य गए हुए हैं पेरेंट्स मीटिंग में, तब तक ये एसी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोल रहे थे 5 मिनट में आने वाला हूँ, तो वो आने ही वाले होंगे। हमारी एसी में से ना कल पानी की प्रॉब्लम आ गई थी, हल्का हल्का पानी आ रहा था। क्या होता है ना कि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये ना हमने इनसे बोला था कि बार बार ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बोला कि जितना टाइम तक एसी चलती है उतनी जल्दी सर्विस करानी पड़ती है, तो ये नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत है नहीं। तो हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, अभी तो वारंटी में हमने एक्स्ट्रा वैसे भी वारंटी ले रखी है इसकी, तो ये अच्छा है, वैसे लेना चाहिए इन सारी चीज़ों की, बार बार पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये सर्विस कर रहे हैं और पर्दे भी आ चुके हैं, और अभी दोपहर का समय हो रहा है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। ये लोग दोपहर में आए थे तो फिर से मुझे दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ा था इस वाले रूम का, क्योंकि सुबह में ही हो जाता है झाड़ू पोछा, ऐसा पता होता तो फिर मैं हेमा को दोपहर में बुलाती, बट कोई ना, फिर मैंने ये सब करके चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था, तो अनिल ने बोला कि बाहर से इसकी भी थोड़ी क्लीनिंग कर दो, तो ये बाहर से कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया है, तो मैं अनिल से बोल रही थी कि मत तोड़ना इस घोंसले, उन्होंने घर बनाया है और बहुत अच्छा होता है, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो रेलिंग पर कितनी ज़्यादा गंदगी निकली हुई है। फाइनली सर्विस हो चुकी है और यहाँ पे ये साइन करवा रहे हैं।